तस्वीर दिखाने का टाइम है। आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। जिस समय आज प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में योग कर रहे थे, उसी वक्त देश और दुनिया के अलग अलग शहरों में लाखों करोड़ों लोग योगाभ्यास कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री ने ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की पहल की थी, हर कोई जानता है। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका 177 देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज 21 जून, इस साल योग दिवस की थीम थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। श्रीनगर में आज इस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। वो सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे सभी पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि यह नया जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई इबारत लिख रहा है, साथ ही एकता और सौहार्द के पथ पर आगे लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज श्रीनगर की डल झील पर योगाभ्यास करके जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो है कश्मीरियत का पैगाम। पीएम मोदी के कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़, महिलाओं, बच्चों का उत्साह, ये बताता है कि योग में लोगों को एकजुट करने की कैसी अद्भुत क्षमता है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज दुनिया में योग पर रिसर्च हो रही है,